हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और टाइगर रिजर्व्स के बारे में। ये टॉपिक जो है नेशनल पार्क्स का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का, ये स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये DSSB, SSC, स्टेट PCS सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट नेशनल पार्क्स। सो उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क्स है, 6 नेशनल पार्क्स है। एज़ यू कैन सी आई हैव रिटन 6 नेशनल पार्क्स हियर। एंड द फर्स्ट इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जो 1936 में जो है जिम कॉर्बेट पार्क जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। और जिम कॉर्बेट जो थे वो उस टाइम में, उनका बहुत बड़ा रोल था ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनका इसके इस्टेब्लिशमेंट में। सो इसके इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ गया। पहले इसको हेली नेशनल पार्क बोला जाता था। 1936 में जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। नेक्स्ट इज़ नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी जो है एक पीक है उत्तराखंड के अंदर, और इसकी एक यात्रा भी निकाली जाती है नंदा देवी की हर साल। सो ये उत्तराखंड का एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट इज़ वैली ऑफ फ्लावर्स। वी ऑल नो अबाउट वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी इसको बोलते हैं, और ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो वहीं पर यह है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज़ राजा जी नेशनल पार्क। ये टाइगर रिजर्व भी है राजा जी नेशनल पार्क जो है। नेक्स्ट इज़ गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री एक 4 धामों में से एक धाम भी है और इसी के नाम पर गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नेक्स्ट इज़ गोविंद नेशनल पार्क। सो टोटल 6 नेशनल पार्क्स आर देयर इन उत्तराखंड। सो फर्स्ट इज़ जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजा जी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। सो उत्तराखंड में टोटल 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। सो फर्स्ट इज़ गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केदारनाथ आप सबको पता है कि शिव जी का टेम्पल है केदारनाथ में, और ये उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है। नेक्स्ट इज़ अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो देर आर 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन उत्तराखंड। आपको इनके नाम जो हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। आप इनकी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आप बनाना चाहें, जैसे कि GKA SBMN, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी हो आप इनको अदल बदल करके स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सो बेसिक थिंग इज़ दैट कि आपको ये सब कुछ रिमेंबर करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। विदाउट इट यू कैन नॉट, यू नो, आप बिना स्ट्रैटेजी बनाए आप कर नहीं सकते इसको। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट थिंग, टाइगर रिजर्व्स। अब टाइगर रिजर्व्स के बारे में देखिए, टाइगर रिजर्व्स एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है स्पेशली फॉर टाइगर्स, मतलब सिर्फ टाइगर्स के लिए प्रोटेक्टेड एरिया होता है। तो कभी कभी नेशनल पार्क्स के अंदर ही एक एरिया को रिजर्व कर दिया जाता है टाइगर्स के लिए, या फिर अलग से भी रिजर्वेशन किया जा सकता है। सो इस तरह से उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व्स हैं। एक तो है राजा जी टाइगर रिजर्व, मतलब यहाँ पे भी टाइगर्स हैं, और नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, मतलब इन दोनों नेशनल पार्क्स के अंदर, यानी कि राजा जी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क्स के अंदर ही एक प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो रिजर्व कर दिया गया है टाइगर्स के लिए। सो दैट वी कैन इंक्रीज़ द नंबर ऑफ टाइगर्स, और उनकी रिजर्वेशन किया जा सके, उनके मतलब उनको बचाया जा सके, क्योंकि इंडिया में जो है टाइगर्स बहुत ज़्यादा कम है। टाइगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी संख्या को इंक्रीज़ करने के लिए, इनके नंबर्स को इंक्रीज़ करने के लिए इनका रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि इनकी हंटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। सो हमारा यहाँ पे यही मेन पर्पस होता है कि हम इनको बचा के रखें और इनके नंबर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। सो देर आर 2 टाइगर रिजर्व्स इन उत्तराखंड, राजा जी टाइगर रिजर्व एंड जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व्स के बारे में। मैं धीरे धीरे सभी स्टेट्स की वीडियो इसमें डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी, लेकिन आपको मैं वही कहना चाहूंगी बार बार कि आपको इन्हें लर्न करना बहुत ज़रूरी है। किसी वीडियो देख लेने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। सो अपनी जो मेहनत है उसको जारी रखिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।